तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है सूर्य सिंह और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल यूनिक चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो को ना एक मिनट के लिए भी मिस मत करना। मिस करते तो आप बहुत पछताने वाले, और भाई सच्ची में कह रहा हूं बहुत पछताने वाले, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं पेटीएम पोस्टपेड के बारे में आज बात करूंगा यार। क्योंकि यार पेटीएम पोस्टपेड के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि यार जो पेटीएम ने ना एक न्यू फीचर डाला था पेटीएम के अंदर, तो मैं भी खुद हैरान हो गया था। पेटीएम पोस्टपेड है क्या? मैंने जब सोचा था यार पेटीएम पोस्टपेड कुछ होगा अलग टाइप का, जब मैं इसको यूज किया ना तो मैं भी खुद एक्साइटेड हो गया, और मैंने सोचा कि यार इस चीज के बारे में आप सबको बताऊं। और जहां तक मुझे पता है ना, जो बंदे 90% जो बंदे हो गए उनको तो ये फीचर मिल गया होगा, क्योंकि वो पेटीएम यूज करते होंगे। जो 5 या 10% जो बंदे होगा उनको ये नहीं मिला होगा, क्योंकि वो भी यूज करते होंगे बट उनको मिला नहीं होगा। और उनको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा, किसको इसको कैसे एक्टिवेट करना, कैसे क्या लाना है। और भाई मैं इसके फायदे ही बात करूंगा और उसके नुकसान के बारे में भी बात करूंगा, कि कैसे इसके अंदर आया और कैसे इसको हमें यूज करना है और उसके फायदे क्या है और क्या नुकसान है, तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा ना उसे प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि जो हमारी वीडियो होगी अभी, जो लेटेस्ट वीडियो होगी हमारी जो बनेगी, तो आप सबको जल्दी मिल सके और आप देख सके। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पेटीएम पोस्टपेड के बारे में बात कर रहे थे। तो पेटीएम पोस्टपेड हमें कैसे एक्टिवेट करना है, तो हम भाई जैसे हम किया जैसे अपने पेटीएम में जाना है आपको, तो पेटीएम में जाने के बाद जो साइड में 3 करोड़ का ऑप्शन आ रहा होगा किट में, तो आपको प्रोफाइल में भी दिख जाएगा और साइड में आपको नहीं दिखेगा, मतलब वहां पे तो 3 डॉट आपको कोने में दिख जाएगा लेफ्ट हैंड में, तो जो भी है उसको क्लिक कर दीजिए। और साइड में जब सेटिंग में आएंगे यहाँ पे आएगा पेमेंट कुछ ऐसा आएगा, पेटीएम पेमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप जब लिखाएंगे ना तो वहां पे लिखा होगा पेटीएम पोस्टपेड, आपको लिखा होगा न्यू, तो उस पर क्लिक करना है। उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है ना उसको पढ़ लेना, आपको क्या है क्या नहीं है, तो उसको पढ़ के जो भी इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या है क्या नहीं है उसको पढ़ के जो भी इसको करना कर लीजिए। तो हम इसके फायदे के बाद इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ये पेटीएम पोस्टपेड इन्होंने डाला क्यों है, क्योंकि इसको मैं बता देता हूँ। पेटीएम पहले मैं बताऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज क्या है और इसके फायदे क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि जैसे पेटीएम पोस्टपेड है तो हम इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। जैसे हम बंदे की ज्यादातर कोई बंदे ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं वॉलेट के अंदर, जैसे आप कोई बिल पे करते हो, रिचार्ज करते हो, फोन मूवी टिकट करते हो, ट्रेन टिकट, जो भी चीज चाहे ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, तो उन्हीं को ये मिलता है पेटीएम पोस्टपेड। तो भाई मैं ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि मैं शॉपिंग वॉपिंग करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं मंगाता रहता हूँ, रिचार्ज विचार्ज सब चीज करता रहता हूँ, तो उनको भी मिलता है, और जो नहीं करते वो उनको भी मिलता ही है। बट उनको एक्टिवेट करने के लिए मैं एक तरीका बताया था, उनको कर दीजिए, क्योंकि उनको फीचर आता सभी में शो करता है। और भाई आपको नहीं दिखेगा ना वहाँ पे गुड लक का ऑप्शन आ जाएगा पेटीएम पोस्टपेड के सामने, तो शायद उसको थोड़े दिन या कुछ दिनों के बाद आपको भी मिल जाएगा। तो भाई मुझे तो मिल गया, मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए ये पेटीएम जैसे इसको ऑन करेंगे ना, तो मैं इसको ऑन करूंगा तो जैसे इसमें मेरे को ये 500 का जो दिख रहा है ना, आपको पैसे दिख रहे हैं ना मेरे को, ये हमें पता है क्यों दे रखी है, ये मुझे पैसा दे रखा, उन्होंने एक लोन दे रखा है और मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। इसको मतलब उन्होंने मुझे दे रखा कि इसको यूज कर सकते हो आप, जैसे आप कोई रिचार्ज कर सकते हो, बिल रिचार्ज कर सकते हो, फोन रिचार्ज कर सकते हो, जो चाहे जिसमें रिचार्ज कर सकते हो, मतलब पेटीएम मॉल पे आप शॉपिंग कर सकते हो, उसको चाहे जैसे कर सकते हो। बट इसके मैंने तो इसको यूज कर रहा हूँ और मैंने अभी तक इसमें कोई ट्रांजेक्शन अभी तक कोई नहीं करी, नीचे आपको लिखा हुआ देयर इज नॉट कोई एनी ट्रांजेक्शन, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं कर रखा है। जब मैं इसको यूज करूंगा मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी ऐसा नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो भाई इसके फायदे की बात कर लेते हैं, जो इसका फायदा ये है कि हम इससे ना रिचार्ज कर सकते हो, मूवी रिचार्ज मतलब मूवी टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, भाई इसमें शॉपिंग कर सकते हो पेटीएम मॉल पे, जो भी चाहे जो भी चीज कर सकते हो। बट इसको आप अपने दोस्तों में ना शेयर नहीं कर सकते, मतलब उनको पे नहीं कर सकते हो। और एक और बात भाई, अपने मर्चेंट अकाउंट पे भी इसको पे नहीं कर सकते हो। भाई ऐसा कुछ नया अपडेट कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मर्चेंट अकाउंट पे ये पे कर सकते हैं, तो भाई अभी नहीं आया कुछ ऐसा। बट इसको सिर्फ आप पेटीएम मॉल पे ही मतलब शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बिल पचास जो भी चाहे उसमें वो कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूंगा इसमें, जब आप जैसे कोई रिचार्ज भी करते हो ना तो उसमें पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन आता होगा और पेमेंट बैंक और डेबिट कार्ड कुछ ऐसे आता है, तो वहां पे भी आपको ये लिखा जाएगा पेमेंट वॉलेट मतलब पोस्टपेड मतलब जो भी पोस्टपेड पेटीएम ऐसा कुछ लिखा जाएगा और उसमें बैलेंस आपका शो करेगा, जैसे हम वॉलेट में हमारा पैसा शो करता है तो ऐसे ही उसमें शो करेगा आपको, तो उसी से आप पे कर सकते हो। और इसके मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमें कोई ऐसे तो है नहीं कि वो हमें कोई फ्री में दे रहा है ये,
तो भाई इसको हम इसको हमें इसके फायदे की बात कर लेते हैं, फायदे से मैंने बात कर ली, चलो इसके नुकसान की बात हम कर लेते हैं। तो ये हमें क्यों दे रहा है ये 500 रुपए, मुझे हमें क्यों दे रहा है लोन, क्यों दे रहा है लोन, इसलिए दे रहा है कि हमें। तो दोस्तों जैसे पेटीएम पोस्टपेड ने हमें जो ये न्यू फ्यूचर डाल रखा है, क्यों दिया, क्यों डाला है, तो भाई एक बात बता देता हूँ। जैसे कि आईसीआईसीआई जो बैंक है ना और ये पेटीएम बैंक है ना, इन्होंने एक पार्टनरशिप में एक न्यू फ्यूचर डाला है पेटीएम के अंदर, और ये इन्होंने पार्टनरशिप में इन्होंने एक फ्यूचर डाल रखा है, और ये हमें एक लोन देती है। जैसे कोई 500 रुपए को मुझे लोन दिया है ना, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना, तो जैसे मैंने यूज करी, मैंने जैसे ये मंथ है, जैसे पहला मंथ है, तो पहले मंथ में हमने इसको यूज, जैसे हमने 50 रुपए मैंने यूज में से यूज कर लिया है, ठीक है। तो इसको हर मंथ ना हमें रिफंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आज को लिया, और ये लास्ट के जो मंथ में आएगा ना, जो मंथ आएगा उसको हमें उल्टा हमें देना पड़ेगा। बस सिर्फ ये हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है ना कुछ लेती है, जैसे हमने 50 रुपए यूज कर लिया उसको हमें उल्टा दे दीजिए, मतलब हर मंथ के लास्ट मंथ में हमें इसको उल्टा दे देना है और कुछ नहीं करना। जैसे आप सोचते कि यार इस मंथ मैंने इसको पैसे नहीं दिया, और सोचते कि अगले मंथ मैं इसको दूं या नहीं दूं, तो आप जैसे नहीं देते हो ना, जैसे 50 रुपए आपने यूज कर लिया और उसको उल्टा नहीं दे रहे हो 50 रुपए, तो ये आपसे ना एक्स्ट्रा चार्ज लेगी। जैसे ये एक्स्ट्रा क्यों चार्ज लेगी, जैसे हमने 50 रुपए यूज कर लिया और जैसे 50 रुपए यूज अगले मंथ आपने नहीं दिया, तो ये ना आपसे पांच, जैसे 50 रुपए यूज करा तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज 5 रुपए लेगी। जैसे आपने 100 रुपए यूज करा तो 100 के 10 रुपए लेगी, और जैसे 150 कर लिया तो जैसे ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा की आपसे चार्ज लेगी। बस इसका ये फायदा है। और बट हर मंथ आप इसको रिफंड कर देते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेना, ना ही कुछ लेगी, सिर्फ ये हमारे लिए फायदे के लिए है और कुछ नहीं है। तो आप इसको हर मंथ आप दे सकते हो और इसे ले सकते हो। जैसे हर मंथ आप इसको यूज कर लोगे, 500 रुपए यूज कर लिया हर मंथ और आपने 500 रुपए दे दिया ना, तो अगले मंथ ना फिर आपको ये बढ़ा देगी। जैसे 500 दिया तो आपको अगले मंथ 1000 रुपए भी दे सकती है, और अगले मंथ आपने 1000 रुपए यूज कर लिया तो उससे अगले मंथ आपको 2000 रुपए देगी। मतलब इसको ऐसे यूज कर सकते हो, जहां चाहे जो इसको यूज कर सकते हो, तो इसका ये फायदा है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया इसका फायदा और उसके नुकसान क्या है क्या नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार इस वीडियो को तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो घंटी का ऑप्शन होगा वो उसे प्रेस कर दीजिए, इससे जो हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो की आपको मिल सके और जल्दी जल्दी आप दे सकते। भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ना कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप मुझे कमेंट करते हो ना, मैं सबका जवाब देता हूँ, और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट करके, तो पूछ लेना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, एंड गुड लक एंड गुड बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड डे।